राजा अकबर अपनी सभा में बैठकर कुछ सोच ही रहे थे कि तभी दूसरे देश का मंत्री वहां पर आ गया और वह अकबर से बोला कि महाराज, हमने बहुत तारीफ सुनी है कि आपके मंत्री बहुत समझदार और बुद्धिमान है, इसलिए हमारे देश के राजा ने आपके लिए एक पहेली भेजी है। यदि आप इस पहेली को अपने मंत्रियों द्वारा सुझाओगे तो हम आपके लिए दोस्ती का प्रस्ताव लाए हैं, और यदि यह नहीं सुलझा पाए तो फिर युद्ध के लिए तैयार रहें। महाराज सोच में पड़ गए कि अब वह क्या करें। फिर उन्होंने कुछ सोचने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि ठीक है, मेरे 3 समझदार मंत्री तुम्हारी इस पहेली को सुलझाएंगे। तभी दूसरे देश के मंत्री अपनी पहेली को लाकर रख देते हैं। वह पहेली 3 गुड़ियाएं थी। अब वह मंत्री कहता है कि आप तीनों के लिए यह सवाल है कि इन 3 गुड़ियाओं को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सी गुड़िया सर्वश्रेष्ठ है। पहला मंत्री सामने आता है और 3 गुड़ियाओं को अपने हाथ में उठाकर ध्यान से देखता है और फिर वह कहता है कि यह 3 गुड़ियाएं अलग अलग मिट्टी से बनी हैं, यही इनकी असमानता है। फिर वो मंत्री कहता है कि नहीं, तुम्हारा जवाब गलत है। फिर दूसरा मंत्री सामने आता है और अपनी चतुराई दिखाते हुए ध्यान से 3 गुड़ियाओं को देखता है और फिर वह जवाब देता है कि इसमें कोई भी असमानता नहीं है, यह 3 गुड़ियाएं एक जैसी है। वहां तुम्हारे राजा ने हमारा बेवकूफ बनाने के लिए यह गुड़ियाएं हमें दी हैं। अपने मंत्रियों का ऐसा जवाब सुनकर राजा अकबर सोच में पड़ जाते हैं। अब उन्हें चिंता होने लगी थी कि लगता है उन्हें युद्ध का सामना करना ही पड़ेगा। तभी वहां बीरबल आते हैं और बीरबल 3 गुड़ियाओं को ध्यान से देखते हैं। बड़े सोच समझ के वह अपने कुर्ते से एक धागा निकालते हैं और पहली गुड़िया के कान में डालते हैं, पर धागा गुड़िया के दूसरे कान से बाहर आ जाता है। फिर वह दूसरी गुड़िया के कान में वह धागा डालते हैं तो दूसरी गुड़िया के मुंह से वह धागा बाहर आ जाता है। फिर बीरबल तीसरी गुड़िया के कान में वह धागा डालते हैं तो वह धागा गुड़िया के पेट में चला जाता है। अब बीरबल सब समझ जाते हैं और वह उन मंत्री से कहते हैं कि 3 गुड़िया सर्वश्रेष्ठ है। तब वह मंत्री कहता है कि तुम कैसे साबित करोगे कि 3 गुड़िया ही सर्वश्रेष्ठ है। तब बीरबल कहते हैं कि 3 गुड़ियाओं का अपना अपना अर्थ है। पहली गुड़िया जिसके कान से धागा निकला, इसका मतलब यह है कि जब कोई मंत्री अपने राजा को कोई बात बताता है तो वह राजा एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देता है। और दूसरी गुड़िया जिसके मुँह से धागा बाहर आया, उसका अर्थ है कि यदि कोई मंत्री अपने राजा को कोई बात बताता है तो वह सारी दुनिया में ढिंढोरा पीट देता है। और 3 गुड़िया जो सर्वश्रेष्ठ है, इसका अर्थ है कि यदि कोई मंत्री अपने राजा को कोई बात बताता है तो राजा ना तो दूसरे कान से बाहर निकालता है और ना ही राज्य में ढिंढोरा पीटता है, वह उसकी बात को अपने तक ही रखता है, तो इसलिए वह राजा ही सर्वश्रेष्ठ होता है, तभी यह गुड़िया सर्वश्रेष्ठ है। यह सुनकर वह मंत्री बहुत खुश होता है और अकबर से कहता है कि आज से हमारा राज्य भी आपका मित्र होगा, आपके मंत्री सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके पास बुद्धि और ताकत दोनों है। तो दोस्तों, अकबर बीरबल की ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। यदि कोई हमें अपनी कोई बात बताता है तो उसकी बात को हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए।